जी सत श्री अकाल जी। तो हम थोनों खेत खूत वाला भी ब्लॉग दिखाया करांगे। बस हो गई उधर तक खाल कण लग्या होया। तो एक ना काफ़ी टाइम का मैं सोची जाता जी, मैं भी आ डेक लग्या कि किदा की चक्कर आ है ना। तो जिहड़ा हुण तो कई साल पहला आए नहीं पता भी 15-20 साल पहला एक अपने पिंडां दे विच हुंदा सी भी ब्याह दे उत्ते सारा दिन ही स्पीकर चलते होंगे सी। स्पीकर ही कहिंदे कोठे दे स्पीकर लाई रखना है ना। मैनू गाने का मतलब नहीं पता ही पर अज पता लगता हुण दुबारे ट्रेंड शुरू होया होया मेरे अपने नाल दे पिंड सीलोवाणी। तो हल्की आवाज शायद थोनू सुनदी होवे आ सीलोवाणी पिंड आ। मैनूं लगता भी शायद थोनू हल्का हल्का सुनदा होगा। वधिया लगता जदों पुराने ट्रेंड है ना एक बार फिर दुबारे आउंदे आ सामने। तो कोई भी चीज़ आ जिवें कपड़िया का चलदा ट्रेंड कदे किहड़ी चीज़ का ट्रेंड चल पैंदा पुराना तो कुर्ते चादरिया का अच्छा लगता पुराना ट्रेंड देख के। पर अज का ट्रेंड मेरा तो चलिया हुआ खाल कण का। खाल कण लगे हुए अज सरदारनी अच घरे आ। मैं तो कहा सी मैं लिया कॉफ़ी कूफी पी लें खेत बह के अगे भी चलो खेत बह के इतने रोटी पानी खा पी लईदा। तो जो पानी पुनी लाना होदारनी हथ बिठा देंगी है किस्मत वाला जो इन्नी अच्छी मैनू वाइफ मिली है। तो चंकी आ सपोर्ट कर दी आ हर वेले औखे सौखे टाइम मेरे नाल खड़ी आ। कई चीज़ा मैनू नहीं पता सी है ना तो जो इन्हें जाणू करवाया। तो बाकी अगे कपड़े तुसी देखते ही होवोगे उही 5-7 शर्टा सीगियां जिहड़ियां चेंज करके उही पाई जांदे सी। ते कई चीज़ां दा बंदे नूं नहीं पता हुंदा ना जदों सरदार नहीं आउंदी आ फिर वह चीज़ां दा पता लगदा निक्की निक्की गल्लां दा ना भी आपां कित्थे सही आ जां गलत आ किद्दां। पर अज दे टाइम चलो फर्क दिखदा ही है ना सारिआं नूं। आ दाढ़ी का भी टाइम नहीं लग्या कटाउण दा ते सरदारनी तो बहुत दिनां दी पिछे पई हुई आ भी कटाओ कटाओ मेरे को टाइम नहीं हैगा सीगा। तो अज वेले अज इधर जुड़ गए खेत खाल बनाउण ते पहलां दाती नाल वढ़िया कख क्योंकि पहलां बारिशां हो गई कणक नूं लोड़ नहीं सीगी पानी की पठिया नूं नहीं लोड़ सीगी। तो हुण पानी लोड़ आ जी पठिया नूं भी। तो अज मीह भी दस्या होया 70% जो पैजे तो वधिया ही आ। तो बाकी देखते हैं जे होर कोई गल हुई तो थोड़े नाल शेयर जरूर करूँ। दस्यो भी भरावो किहड़े किहड़े खेती करदे तकरीबन तो अपने नाल सारे भरा खेती नाल जुड़े हुए हैं। आ वधिया लग्या यार मैनूं सुण के दुबारे फिर। पर अजकल दे तां इदां कहिंदे वॉइस पोल्यूशन है ना। तो पर पुराना कल्चर देख के यार अच्छा भी लगता भी लोग दुबारे फिर वह पुरानियां चीज़ां नूं आदे गाने नवे सुनते हैं। तो वधिया लगता भी जो पुराने ट्रेंड है ना कोई दोबारा शुरू हुंदा मैनूं तां वधिया लगता भरावो। तुसीं भी दस्सो भी तुहानूं वधिया लगता किद्दां आदे गल चलदे गाने अगे सुनते होंगे सीगे पुराने गीत बाबा वेखला मरूड़ इदां दे है ना। गेर गड्डी दा अड़ गया धक्का लाउंदी दा सड़क थां चढ़ गया इदां ही कुछ ऐ सुनते होंगे सी। कलदीप मानकुणी रमले हुनी यमले हुनी इदां है ना। तो जो 80 to 90 तक ना जनरेशन इन्होंने बहुत दुनिया पलटती देखी है ना। तो बह के गल करते हैं घर के बहन का नज़ारा ही वक्खरा। पुराने टाइम देखो असी मोबाइल फोन घर वाले फोन चिट्ठिया तो लैके पहले चिट्ठिया पैदा होंगे सी फिर घर वाले फोन आ गए फिर उस तो बाद मोबाइल आए है ना। तो पहला एंटीने होंगे सी एंटीनिया तो डैश टीवी आ गए फिर केबल आ गई हुण नैटफ्लिक्स वगैरह आ गया। तो पहला रेड़े रेड़िया गड्डिया इन्हां ते पट्ठे आउंदे होंदे सी हुण मोटरसाइकिल दे पिछे रेड़िया पा लैंदे है ना जिहड़ियां हुण आईयां ट्रालियां छोटियां। तो बहुत इदां दीआं चीज़ां जिहड़ियां असी 80 तो लैके 90 वाले ने देख लिया।
ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਪਲਟ ਗਈ, ਲੋਕ ਪਲਟ ਗਏ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਲਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਚਲੋ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਬਾਰਨੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊ, ਆਪਾਂ ਬਾਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵਿਆਹ ਜਾਣ ਸਾਰਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਓ, ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ। ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੌਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਖੇਤ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਪੈਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਚਲੋ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੋ ਗਈ 5-6 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਲਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹਾ ਆ। ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਲਓ, ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਹੌਲ ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਰਦੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਖਾਲ ਘੜਿਆ ਘੜਿਆ ਕੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਹ ਵੱਢਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਨਾ ਘੜੂੰਗਾ, ਕਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਚਮਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬਰਸੀਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਗਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਬਰਸੀਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਹ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਝਾਕਤੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਲਕੀ ਉਹਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਲ ਘੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ ਵੀ ਰਾਇਆ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਬੱਦਲ ਪਾਈ ਆ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ, ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਹਦੇ ਬੱਦਲ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ 30-40% 50% ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕਣ। ਟਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਨਾ।
इन्ना दम चढ़िया हो भरा खाल किया साहब बस तो हो गई खाल दी आस बस करा दी आप हाँ हूँ कम कुम इन्ना करते नहीं थोड़ा बहुत बस मझ रखी एक अद्धी तो उन्हें एक पट्ठे बीजे हुए उन्हें एक बस टाइम पास करी जाने तो बाकी बूटा भीरा पट्ठे बढ़न लग्या होना लगते हथ मैं भी पट्ठे बढ़ ला मैं चल बढ़ ला कम नबेड़ा तो होर दसो सैटा कम दम चढ़ गया यार उपर मौसम भी गलत मलत हो फिर छड़नी सी मोटर देखते हैं रब कहीं की कहना भी पानी लवाऊ कि नहीं ये मेले होंगे ना भी जोड़े आपदे मेले है मेरे वो सारे मैं नवंबर के ही रख के खुश हूँ क्योंकि उदू बाद क्लबा के मैच शुरू हो जाते हैं तो चलो जे मैं मेला रखा मुड़ के चक्कर बक्कर चले जाते हैं पर मैं यही गल कहना होना क्लबा भी जे आप बड़े बजट का मेला है ना भी वह मेले आप नवंबर दसंबर के करा लिया करिए जनवरी तो पहला करा लिया करिए है ना 15 जनवरी तो क्योंकि उस तो बाद फंडरेशन के मैच शुरू हो जाते हैं तो चलो कई इतराज भी कर देंगे फंडरेशन वाले मेरे ते पर मैं यही कहना हूं भी प्लेयरों भी जरूरी आ फंडरेशन के मैच खेडने क्यों क्योंकि भाई उन्होंने मुल फंडरेशन के मैचा तो मैं पहला कहना हूं यार पेंड बार वधिया ना लोग स्वाद लेंदे पर जिहड़ा प्लेयर का फ्यूचर आ जां प्लेयर की मेहनत का मुल आ वह फंडरेशन के मैच ही खेड के मिलते हैं तो दूजा नंबर यह आ भी प्लेयर की गल जी बारली होनी होंगी वह भी फंडरेशन के थ्रू ही होनी होंगी क्योंकि सारे प्रमोटर भरा बड़े जिन्हां दे सर ते अपनी मां खेड कबड्डी है ना तो हैगी आ फंडरेशन के जिहड़े प्रमोटर आ स्पोंसर आ सारे तो उन्हां दे डिपेंड हुंदा क्योंकि वह आपदियां कंट्रियां दे जिथे जिथे दे हुंदे आ सारे प्लेयर नूं इनवाइट करते भी हाँ भी साड़ी अपनी क्लब कनियों खेडना ने अपनी कनियों खेडना पर प्लेयर कईयां नूं इदां हुंदा भी पिंड बार ते सानूं पैसे वध बणदे आ चलो हैगे इक अद्धा प्लेयर इदां दे मैं नां नहीं लैणा चलो पर गल यह भी प्लेयर का मुल मैं दर्शकों भी यही गल कहनी चाहना कई चलो नहीं पता इस चीज़ का जोड़ा प्लेयर का असली मुल है ना रेट आ जोड़ा भी यदा कि है ना कि किदा मुल पैना वा वो फंडरेशन के बच्चे जाके पैंता तो जी बारली गल आ फंडरेशन के बच्चे जाने जाके ही गल होंगी आ क्योंकि सारे प्रमोटर गल उ आ गई भी प्रमोटर स्पोंसर सारे वो फंडरेशन के नाल मै क्लब के नाल जुड़े होंगे आ तो इस करके प्लेयर भी बेनती होंगी भी है ना भी क्लबा के मैच खेडया करो तुम क्योंकि जेडे क्लबा के मैच जिते धरे जाते हैं जो उतों के प्रमोटर होंगे स्पोंसर होंगे सपोर्टर होंगे तो उन्होंने टीम बनाने दिक्कत आती होंगी इसलिए वह क्लबा के मैच धारते हैं तो बाकी प्लेयर चलो जो हुण 1 तरीक नूं रूमी जो होया है ना चल मैं वो बारे नहीं कुछ कहना चाहता तो होया चलो रूमी वाले के बेचारे का बजट बहुत बड़ा सी प्राइज बहुत बड़े सी ते चलो कोई चक्कर नहीं तो ये बारे नहीं मैं कुछ कहना चाहता क्योंकि गल्लां होर पासे चली जांदियां ना ते देखते हैं की बनता अज कालगढ़ के टूरनामेंट से मिलते हैं।